तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे टाटा योद्धा 1500 BS6 वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी को ख़रीदना है तो क्या होगा इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस गाड़ी का जो भी स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और इस गाड़ी का जो भी ऑन रूट प्राइस होगा इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इस गाड़ी को फाइनेंस में निकलना है तो क्या होगा डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इस गाड़ी का जो भी स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी का 1500 kg पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगा, पावर होगा 100 HP। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो टॉर्क होगा 250 Nm। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जैसे डीजल टैंक कैपेसिटी होगा 45 लीटर। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस होगा 8,59,248 रुपीज़। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो भी RTO अमाउंट और इंश्योरेंस मैंने दोनों ऐड कर दिया है, तो सारी टैक्सेस ऐड करने का बाद ऑन रूट प्राइस होगा 9,66,608 रुपीज़। तो गाइज अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकलना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 1,50,000। लोन अमाउंट बनता है इस गाड़ी का 8,16,608 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी का जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, जैसे फाइनेंस कंपनी की रेट ऑफ़ इंटरेस्ट अगर 8.5% होगा, तो मैंने इस गाड़ी का 5 ईयर्स के लिए फाइनेंस किया है। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो 5 ईयर का फाइनेंस है 16,754 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी को 6 ईयर के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में 14,518 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी को ख़रीदना है तो यही प्राइस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई अदर गाड़ी की फाइनेंस जानना है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कॉमेंट की आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।